नमस्कार दोस्तों, आपका बायोपीटी में स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही जाने माने पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है टिफनी ट्रंप, जो कि एक्चुअली में एक डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है और इकलौती बेटी है मार्ला मैपल्स और इनकी। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या है, क्या लाइफ स्टोरी हो सकती है इनकी। और अभी अभी न्यूज आई है हाल फिलहाल में कि ये एंगेज हुई हैं एक मल्टी बिलियनर माइकल बोलस के साथ। तो उनके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा कि उनके साथ शादी कैसे होने वाली है या फिर वो मिले कैसे थे, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इनकी एक्चुअल लाइफ स्टोरी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला मेपल्स की ये बेटी है टिफनी ट्रंप। और मार्ला मेपल्स, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एक एक्ट्रेस, बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है। और डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही होगा कि बिलियनर हैं और उसके बाद पॉलिटिशियंस बने थे। तो मार्ला मेपल्स की सेकेंड शादी है और उसकी बेटी है टिफनी ट्रंप, जो कि एक्चुअली में आपको पता हो गया होगा अब तक। लेकिन आपको ये पता है कि मार्ला मेपल्स ने अकेले टिफनी ट्रंप को रेज किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी रेज नहीं किया, ना उसको पाला पोसा है। अकेली सिंगल मदर है जिन्होंने इनको रेज किया है, और इनको पेनिसिल्वेनिया में ही रेज किया है, लेकिन बाद में इनको शिफ्ट कर दिया गया कैलिफोर्निया में, जहां पे उन्होंने बाकी की पढ़ाई करी है। और इनकी अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हम बता दें आपको कि इन्होंने सोशियोलॉजी में डबल मेजर किया हुआ है और उसके बाद इन्होंने लॉ भी परस्यू किया था। अगर हम बात करें इनके पर्सनल लाइफ की, तो इनका पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रह चुका है। इनका पर्सनल लाइफ के सबसे पहले हम नाम की बात कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका जो पूरा नाम है वो है टिफनी अरियाना ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही रखा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ये इसलिए रखा था क्योंकि इनको काफी ज्यादा पसंद था टिफनी एंड को, जो कि डायमंड्स बनाती है डोनाल्ड ट्रंप को। तो उस चक्कर में इन्होंने ये नाम रखा था अपनी बेटी का। इनका वैसे अगर जन्म की बात करें तो इनकी जन्म हुई है 13 अक्टूबर 1993 में, तो जो कि काफी यंग है। और अगर हम उनकी एज अभी बोले तो वो 27 ईयर्स होंगी। और अभी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में भी गई हुई हैं। जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो है उनकी पेनिसिल्वेनिया में, जो कि काफी बड़ा है और काफी ज्यादा नाम है उस चीज का। और वहाँ कार्डाशियंस वगैरह, इनकी भाई बहन जो भी बाकी इवांका ट्रंप है और जो भी बाकी ट्रंप्स हैं, वो भी वहीं पली बड़ी है। और यहाँ पे इन्होंने डबल मेजर किया है सोशियोलॉजी में। और उसके बाद इनको काफी ज्यादा म्यूजिक में रुचि थी और म्यूजिक में ही इनको आगे बढ़ना था, इसलिए इन्होंने एक सिंगल भी निकाला था 2015 में, जहां पे ये लॉजिक, जो कि एक बहुत बड़े रैपर है, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है एक म्यूजिक एल्बम में और एक म्यूजिक वीडियो में भी, जिसका नाम था लाइक बर्ड। इसके अलावा इन्होंने वॉग मैगजीन में भी बहुत अच्छा काम किया है 2011 में, जहां इनको बहुत सराहा जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है कि इन्होंने वॉग मैगजीन में काम किया है। और उसके बाद से ये अभी लॉ में भी परस्यू कर रही है कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें इनकी डेटिंग लाइफ की, तो डेटिंग लाइफ भी काफी ज्यादा इनकी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था डेट करना है रॉस को, जो कि इनके को कलीग भी थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। और 2017 तक इनकी चली ये डेटिंग लाइफ, लेकिन इनको डेट जो भी ये रॉस थे, इनको ब्रोकअप करना पड़ा क्योंकि रॉस सपोर्ट नहीं करते थे डोनाल्ड ट्रंप को, और टिफनी ट्रंप को ये चीज पसंद नहीं थी, इस वजह से इनको ब्रोकअप करना पड़ा। फिर बाद में एक साल बाद ही फिर इनको माइकल बोलस मिले टिफनी ट्रंप को, जो कि काफी ज्यादा मल्टी बिलियनेयर, काफी टैलेंटेड थे। और उस चक्कर में इनकी आपस में डेटिंग हुई और अभी 2 साल तक एक डेट कर रहे हैं। और अभी न्यूज आई है हाल फिलहाल में कि इंगेज हो चुके हैं, और बहुत जल्दी इनकी शादी भी होने वाली है। तो देखते हैं कब तक होगी, कब क्या होगा। और अगर हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ कहें तो ये पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कम दिखती हैं कोई भी इवेंट में, और शायद से आगे दिखेंगे भी नहीं क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल लाइफ से। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को बिल्कुल थम्स अप देना, अगर आपको पसंद नहीं है तो डाउन्स अप देना, लेकिन रीजन भी बिल्कुल हमें बता देना ताकि हम आगे से और इम्प्रूव होकर आप तक आ सके। अगर आपको फेस रिवील अच्छा लगा तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल नए हो इस चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम ऐसे ही आगे तक इंटरेस्टिंग वीडियोज आप तक लाते रहेंगे।